अंडे इसमें फेंकते हैं, एफल है, ज्वंतरी है, केसर है, खसखस है, ऑलडीन है। अपने ये गर्म मसाले हैं क्या? गर्म मसाले दूध में? ये कितने का प्याला बताया बाबा आपने? 120 रुपए का ये प्याला है। अंदर जो रेसिपीज में आपने इस्तेमाल की हुई है चीजें, वो जरा पकड़ के दिखाएं। एक नर चुहारा तो पकड़ के दिखाएं, उसका शिकार करें जरा पकड़ने। उसके ऊपर बादाम और पिस्तों की जो है ये गार्निश किया हुआ है। दोनों आपको दूध की रेसिपीज भी उन्होंने बता दी है मिल के। देखें मलाई देखें आप। और बाबा ने आपको इसकी सारी गर्म मसालों की रेसिपी भी बता दी है, जलेबी के साथ जो है दूध। अस्सलाम वालेकुम। बाबा क्या नाम है पहले ये? मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ साहब, आप जो है ये किस चीज़ का दूध है और कौन सा दूध है और इसमें आपने क्या मिलाया हुआ है जो ये इतना पीला हो रहा है? अच्छा, अंडे इसमें फेंकते हैं, एक कस्तूरी लगा दे बगैर मलाई। जायफल है, ज्वंतरी है, केसर है, खसखस है। अच्छा, ऑलडीन है। अच्छा, ये चीज़ें मिला के सात चीज़ों डालते हैं, सात चीज़ों का कस बनता है, इसको बनते हैं कस्तूरी। अच्छा, तो ये कितनी देर पकाते हैं आप? ये समझो जो डाल देना 4 बजे। मुझे जिस तरीके का ये पका लग रहा है, इसकी शक्ल, ये कम से कम 7-8 घंटे तो पका हुआ है ये। 4-5 घंटे हो गए पकते हुए। 4-5 घंटे हो गए पकते हुए और अभी भी पक रहा है? अभी पक रहा है, जब तक बिकेगा नहीं, खत्म नहीं होगा पकते जब तक पकता रहेगा। और इसकी शक्ल जो है ये देखें पीली हुई है। पीली क्यों हो गई? इसीलिए पक के हुई है। इसमें अंडे भी डले हुए हैं? अंडे भी डले हुए हैं। ये देखें जी, ये बाबा ने बताया इसमें आपको सारी चीजें बताई, ये सारे मसाले भी हैं। और कौन कौन से मसाले बताए आपने? ये गर्म मसाले हैं क्या? ये गर्म मसाले होते हैं। अरे गर्म मसाले दूध में? हाँ जी, ये जायफल, ज्वंतरी, ओवल्टीन। अच्छा, हाँ जी, खसखस। ये सब इसमें डले हुए? इसी में डले हुए, अंडे डले हुए हैं। कहें जी, ये कितने का प्याला बताया बाबा आपने? ये 120 का है। 120 रुपए का ये प्याला है। और बाबा ने आपको इसकी सारी गर्म मसालों की रेसिपी भी बता दी है कि कौन कौन से मसाले। बाबा जरा चला के दिखाएं और इसमें से इसके अंदर जो रेसिपीज में आपने इस्तेमाल की हुई है चीज़ें, वो जरा पकड़ के दिखाएं मुझे। ये है जी पोटली, ये देख लें जी। जैसे पुलाव में जो है गर्म मसालों की पोटली बनती है, सौंफ वगैरह की, धनिया गिरी वगैरह की, इसी तरीके से इस दूध में भी डाली गई है डाल के। अच्छा, ऊपर से ये बादाम भी डालते हैं इसमें। बादाम इसके ऊपर जो है गार्निश किए जाते हैं। ये देखें, ये मैं आपको बताता हूँ अभी। अच्छा, तो यहाँ कहते हैं ये आपने सब इसकी रेसिपी। ये कितने का प्याला है? ये प्याला 120 रुपए का दे। 120 रुपए का ये प्याला है, मतलब एक पाव। ये पीने से ताकत आएगी या मजा आएगा? मजा भी आएगा, ताकत भी आएगी। ताकतवर है, ताकत वाला है। क्योंकि ये आपने जो रेसिपी बताई है वो ताकत वाली भी है और मजे वाली भी है, सही है ना? तो लोग दोनों चीजें चाहते हैं, मजा भी चाहते हैं और ताकत भी है। यानी कि और ये सिर्फ मसालों की वजह से ही पीला हुआ है। और पक पक के जो है ये, आप गाय का दूध इस्तेमाल करते हैं या भैंस का? भैंस का दूध होता है, खालिस भैंस का दूध जो है ये बाबा इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, छुहारे वाला दूध। और ये कौन सा छुहारा है इसके अंदर? नॉर्मल छुहारा है या नर छुहारा? इसमें नूर छुहारा भी है, नर छुहारा। अच्छा, जरा एक नर छुहारा तो पकड़ के दिखाएं, उसका शिकार करें जरा पकड़ने। ये तो नॉर्मल, ये कौन सा छुहारा कहलाता है? नूर, नूर। अच्छा, ये नूर छुहारा भी कहलाते हैं और नर छुहारा भी कहलाते हैं, ठीक है। ये आप ये देखें, ये कितनी देर पका हुआ है? ये तो होगा शाम 4 बजे से पक रहा है। शाम 4 बजे से, ये तो मुझे इसकी शक्ल बता रही है, कम से कम ये 5-6 घंटे पक चुका है और अभी 3-4 घंटे और पकता रहेगा जब तक ये ख़त्म नहीं होगा। और ये देखें जी, ये कस्तूरी जी भी कहलाता है वैसे ये दूध जो है आपको। और इसके ऊपर बादाम और पिस्तों की जो है देखें ये गार्निश किया हुआ है इन्होंने, बाबा ने। और ये बहुत ज़बरदस्त और ताकतवर होता है, ये सर्दी का जो है इसमें एहसास नहीं होता है इसका। ये कितना का प्याला है बाबा? ये 100 रुपये का। ये 100 रुपए का प्याला है। और कितना होता है इसमें? आधा किलो होता है, एक पाव होता है? पाव होता है, एक पाव दूध होता है इसके अंदर जो है। 100 रुपए का एक प्याला है। टाइमिंग क्या है बाबा? टाइमिंग शाम 5 बजे से लेके सुबह, यानी कि पूरा, यानी कि 5 बजे तक ही होता है। और 4 बजे तक होता है। और आपकी दुकान का नाम क्या है? दिल नशीन। नाम तो बहुत ज़बरदस्त है बाबा, दिल नशीन। अच्छा, ये आपकी लोकेशन जो है इसकी? हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट तो है, कराची बेकरी के सामने। कौन सी? कराची बेकरी और आहाद फार्मेसी के जो है ये सामने इनका जो है शॉप है, दिल नशीन मिल्क शॉप के नाम से जो है ये। बाबा देखें, ये दोनों आपको दूध की रेसिपीज़ भी उन्होंने बता दी हैं मिल्क की, और इनके रेट भी बता दिए हैं, टाइमिंग भी बता दी हैं, और लोकेशन बता दी है आपको। हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट पे जो है ये अवेलेबल है। ये देखें, 5-6 छुहारे बाबा ने पकड़े हैं दूध में से, और ये आपको दिखाई। ये देखें मलाई देखें आप, सिर्फ मलाई देखें। ये दही वाली मलाई लग रही है मुझे, मगर ये है दूध की मलाई। आपके घर की मलाई में और घर के दूध की मलाई में जो है ऐसी जो है मलाई आना मुश्किल ही है, क्योंकि ये पका हुआ दूध है इतना, जिसकी वजह से ये मलाई आई है।
ठीक है ना, 5 से 6 घंटे पका हुआ है, इसीलिए ये मलाई आई है, वरना ये इस दूध में जो है ऐसी मलाई नहीं आती आजकल, और खालिस दूध है जिसकी वजह से ये मलाई आएगी। तो बाबा ये जो है ये दूध आप क्या खालिस दूध कहाँ से लाते हैं? ये हमारा भैंस कॉलोनी से आता है। भैंस कॉलोनी से लाते हैं? भैंस कॉलोनी से लाते हैं। तो ये आपकी कब से दुकान यहाँ पे? 16-17 साल से आप ये काम ये यही कर। और इसके अलावा क्या एक्स्ट्रा आपके क्या, यानी कि दूध का काम है? दूध वाली बोतल है, दूध वाली बोतल भी आपके पास, और दही है, दूध आपके काम, तो ये तो कच्चे आपका दूध का काम हमारा बराबर पे होता है। इधर कच्चे दूध का काम नहीं करते आप? नहीं। इसके अलावा आप मेरे ख्याल से आपके पास जलेबियाँ भी हैं। जलेबियों का प्याला कितने का है? 120 रुपये का। तो उसमें है ना कितनी जलेबियाँ डालते हैं आप? आधा पाव जलेबियाँ डालते हैं। 120 रुपये का प्याला है, उसमें कौन सा दूध डालते हैं? नॉर्मल डालते हैं या इनमें से ही डालते हैं? कढ़ाई वाला दूध होता है वो, कढ़ाई का अलग पकड़ा है। हाँ। अच्छा जी, वो कढ़ाई का सादा दूध है, वो भी भाई मुझे इससे कम नहीं लग रहा, उस पर भी इतनी मलाई जमी हुई है वो। ये देखें जी, जलेबी के साथ जो है दूध ना, जलेबी दूध, इसको क्या कहते हैं? जलेबी दूध। जलेबी दूध के जो है ये आपको जो है देखें, एक प्याला बना रहे हैं, ये देखें जी। सही है बाबा, सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? तलाल इकबाल। तलाल साहब, आप कौन सा मिल्क पी रहे हैं? ये कस्तूरी दूध है। ये कस्तूरी दूध है, सर्दियों के लिए खास होता है। अच्छा, ये सर्दियों के लिए खास तौर पे, कैसा मजा है इसका? आप इसका रिव्यू तो जरा दीजिए, कैसा मजा आ रहा है? थोड़ा जाफरान का, हल्दी का टेस्ट होता है, और इसमें वो क्या कहते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाले होते हैं। इसमें बाबा ने बताया इसमें गरम मसाले भी डाले, जायफल, जावित्री वगैरह, उसका हाँ। क्या टेस्ट आ रहा है? क्या पुलाव का मजा आ रहेगा? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये कि टेस्ट अच्छा है, टेस्ट अच्छा है। आप है। पहली दफा आए या इससे पहले भी पी चुके? मैं तो काफी सालों से पीता आ रहा हूं, सर्दी में जबरदस्त पीना चाहिए, जरूरी आजकल ये चीजें आपको हफ्ते में 1-2 दफा जो है लाजमी पीना चाहिए। तो कैसा है, यानी कि इसके अलावा इनके दूसरे दूध जो है छुआरे वाला दिया आपने? मैंने सारे ट्राई, सारे ट्राई किए, मजे के होते हैं, बिल्कुल सारे बहुत अच्छे होते हैं, आते रहते हैं, यानी कि इसका मतलब है। चलें, शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू। चलें बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी यानी कि जो है चीज़ें आप जो है सेल आउट कर रहे हैं। दिल नशीन मिल्क फ्लेवर, कौन कौन से मिल्क फ्लेवर हैं? दूध की बोतल है इनके पास, दूध पाकोला है, लस्सी है, दूध स्लाइस है, दूध रूह अफ़ज़ा है, इसके अलावा छुआरों का, और आपको जलेबी का, और गरम मसालों के दूध का तो हमने आपको बता ही दिया है, बाबा ने सारी रेसिपी आपको बता दी और कितना पका हुआ दूध है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।